हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण गौतम, स्वागत है आपका अभिजात क्लासेज पे। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो एक नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं हम, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, मानव में रासायनिक समन्वय। क्या है मानव में रासायनिक समन्वय, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली आप लोगों को पता चल ही गया होगा डायग्राम को देखकर कि हम बॉडी में पाई जाने वाली ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। हमारी बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है, किस टाइप की वो होती है, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है, रासायनिक समन्वय क्या है, किसके अंदर, मानव में या मनुष्य में। तो हम ये कहेंगे कि हमारे शरीर का जो नियंत्रण है, सामान्यतः यदि कोई पूछे कि कौन करता है तो हम कहेंगे हमारा नर्वस सिस्टम करता है। हमारा कौन सा तंत्र करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। कौन सा तंत्र करता है, तंत्रिका तंत्र। हमारे जितने भी ऑर्गन है बॉडी के या फिर जो भी सेल्स हैं उन सब पर कंट्रोल करने का काम कौन सा सिस्टम करता है, नर्वस सिस्टम करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। परंतु बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स भी है जहां पर न्यूरोन, जहां पर तंत्रिका लगातार अपना नियंत्रण नहीं रख सकती, वहां पर रेगुलरली वो कंट्रोल नहीं कर सकती। तो यदि वो कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर कौन करेगा उनको कंट्रोल। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में विशिष्ट प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है जिनको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड एक केमिकल का सिक्रेशन करती है जिन्हें हम हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। और ये जो हार्मोन है ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं, हमारी बॉडी को रेगुलेट। और ये जो हार्मोन है ये कौन सा सिस्टम के साथ मिलकर, नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर एक नई ब्रांच बना देते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं, न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी। देखिए अब इसमें दोनों विज्ञान आ गई है, इसमें जो न्यूरोलॉजी है वो भी आ गई है और इसमें एंडोक्राइनोलॉजी भी आ गई है, यानी अंतःस्रावी जो विज्ञान है वो भी आ चुकी है इसमें और तंत्रिका विज्ञान है वो भी आ चुकी है। ठीक है, तो हम लोग जो आज बात करेंगे वो अपन बात करेंगे किसके बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो पहली बात तो ये कि एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि है क्या। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बात करें उससे पहले हम बात करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी विज्ञान। क्लियर। अब जैसे ही किसी भी ब्रांच में लॉजी लग जाता है इसका मतलब लोगस से है, लोगस का मतलब अध्ययन करना, टू नॉलेज। तो हम बात करेंगे कि क्या अध्ययन करेंगे हम एंडोक्राइनोलॉजी में। तो एंडोक्राइनोलॉजी में हम अध्ययन करेंगे कि हमारी बॉडी की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनका फंक्शन कैसे है, उनकी कार्य प्रणाली कैसे है, वो कैसे वर्क करती है और उनके वर्क करने से हमारी बॉडी कैसे रेगुलेट होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन सी शाखा में, एंडोक्राइनोलॉजी की शाखा में। तो सबसे पहले तो एंडोक्राइनोलॉजी के फादर कौन है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी। तो याद रखना एक वैज्ञानिक थे थॉमस एडिसन। क्या नाम था, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन को एंडोक्राइनोलॉजी का जनक कहा जाता है, अंतःस्रावी विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा इसमें डीपली जाने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी तक हमने ये कहा कि ये है क्या, रासायनिक समन्वय क्या, कोऑर्डिनेशन क्या है, कि एक ऑर्गन काम कर रहा है वो किस तरीके से काम कर रहा है, दूसरा ऑर्गन किस तरीके से काम करे। तो कोऑर्डिनेशन बनाए कौन रखेगा, कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने का काम न्यूरॉन्स करते हैं। कौन करते हैं, न्यूरॉन्स। लेकिन जिस स्थान पर न्यूरॉन्स नहीं पहुंच पाते वहां क्या होता है, तो वहां हार्मोन पहुंचते हैं। हार्मोन एक केमिकल है, हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। तो हम बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन के अंदर, तो हम कहेंगे कि जो एंडोक्राइनोलॉजी है उस एंडोक्राइनोलॉजी से पहले हम लोग बात करेंगे ग्लैंड्स के ऊपर, ग्रंथि के ऊपर। किसके ऊपर बात करें, ग्रंथि के ऊपर। तो ये जो ग्लैंड्स है कितने प्रकार की होती है, तो ग्लैंड्स तीन प्रकार की होती है। नंबर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब देखो एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है, बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि,
बहिस्रावी ग्रंथि। कोई क्वेश्चन नहीं आता लेकिन पता होना चाहिए कि बहिस्रावी ग्रंथि है क्या। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसी ग्रंथियां नलिका युक्त होती है, डक्टलेस नहीं होती है, कैसी होती है, नलिका युक्त होती है। और इनके द्वारा किसका सिक्रेशन किया जाता है, एंजाइम का सिक्रेशन किया जाता है। किसका सिक्रेशन किया जाएगा, एंजाइम का। एग्जाम्पल याद रखना, जैसे स्वेद ग्रंथि है, पसीने की ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, सीबेसियस ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड। ये एग्जाम्पल हुए कौन सी ग्लैंड के, एक्सोक्राइन ग्लैंड के। नंबर दो पर आता है एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड आती है, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम बताएंगे कि ये जो ग्लैंड है ये नलिका विहीन होती है, ये तो कैसी बताई थी, नलिका युक्त, और ये कैसी होती है, डक्टलेस। कैसी होती है, डक्टलेस, यानी नलिका विहीन, इनमें कोई ट्यूब नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती, कोई ट्यूब नहीं पाई जाती, ठीक है। इनके द्वारा क्या सिक्रेट हो रहा था, एंजाइम, और इनके द्वारा सिक्रेट होगा हॉर्मोन। क्या सिक्रेट होगा इनके द्वारा, हॉर्मोन। और दूसरी बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कि ऐसी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं, कि ऐसी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती है, हार्मोन का श्रावण करती है, और ये हार्मोन को डायरेक्ट कहां छोड़ देती है, रक्त में छोड़ देती है। कहां छोड़ देती है, रक्त में। रक्त के द्वारा इन हार्मोन का परिवहन होगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, और वो हार्मोनों का परिवहन होकर वो कौन से ऑर्गन तक पहुंच जाएंगे, टारगेट ऑर्गन तक। कहां तक पहुंचेंगे, टारगेट ऑर्गन तक, यानी लक्ष्य अंग तक पहुंचेंगे। कौन से अंग तक पहुंचेंगे, लक्ष्य, यानी हार्मोन का जो टारगेट है, इनका टारगेट है इस ऑर्गन तक पहुंचने का, ये वहीं तक पहुंचेंगे। तो एक बार वापस से देखें ना कि ग्लैंड्स के दो टाइप्स बताए हैं आप लोगों को, एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरा बताया एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। दो चीजें क्लियर हुई। अब अपन तीसरे नंबर की ग्लैंड और है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मिक्स्ड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सर मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो हम कहेंगे कि वो ग्लैंड जो एक्सोक्राइन का भी काम करे, किसका काम करे, एक्सोक्राइन का भी काम करे, और साथ में किसका काम करे, एंडोक्राइन का भी काम करे, दोनों का काम करे, यानी अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि का काम करती है, अर्थात जो एंजाइम का सिक्रेशन भी करे और हॉर्मोन का भी क्या करे, सिक्रेशन करे। ऐसी ग्रंथि कौन सी है, एग्जाम्पल देखना, ऐसी ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज ग्लैंड। ऐसी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि। और इसके यदि अपन एग्जांपल देखें तो बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं, जैसे हम लोग बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद में पीनियल बॉडी है, पीनियल के बाद में थायरॉइड है, पैराथायरॉइड है, फिर उसके बाद में थाइमस ग्लैंड है, थाइमस के बाद में एड्रिनल ग्लैंड है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया टाइप्स ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड्स तीन प्रकार की होती है। नंबर वन एक्सोक्राइन ग्लैंड, अपन हिंदी में बोलेंगे बहिस्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन ग्लैंड नलिका युक्त होती है, एंजाइम का सेक्रेशन करती है, एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया। नंबर दो पर कौन सी ग्लैंड आती है, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती है, सबसे इंपॉर्टेंट हॉर्मोन का सेक्रेशन करता है, ये याद रखना। और ये जो हॉर्मोन है इनको ब्लड में छोड़ा जाता है, ब्लड के द्वारा ये कहां तक पहुंच जाते हैं, टारगेट ऑर्गन तक क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आप लोगों को बता दिया है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड्स हैं, वो ग्लैंड कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। इन अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित होने वाला रासायनिक पदार्थ है, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। हम बात करेंगे किसके बारे में, हार्मोन के बारे में। लेट्स सी, देखते हैं आगे हार्मोन क्या है। हार्मोन, तो देखो एक चीज में बार-बार मैं बोल रहा हूं कि जो हार्मोन है वो रासायनिक पदार्थ है। कौन से पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ है। कैसे पदार्थ हैं, रासायनिक। डेफिनेशन देख लेते हैं पहले हार्मोन की, हार्मोन क्या है। तो हम बात करेंगे कि ये रासायनिक पदार्थ हैं जो संदेश वाहक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, संदेश वाहक का, सूचनाओं को लेकर जाते हैं। किसको लेकर जाते हैं, सूचनाओं को, संदेश वाहक का कार्य करते हैं। और कौन सी ग्रंथि के द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। किसमें छोड़े जाते हैं, रक्त में छोड़े जाते हैं। कहां छोड़े जाते हैं, रक्त में। और कहां पहुंचते हैं,
लक्ष्य अंगों तक पहुंचते हैं, क्या पहुंचते हैं, लक्ष्य अंगों तक पहुंचते हैं, और वहां जाने के बाद में कार्यकी को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं, कार्यकी। कार्यकी का मतलब कि जो अंग कार्य करेंगे उस कार्य को ये क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। एक बार वापिस से देख लेना, विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो संदेश वाहक का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा रिलीज होते हैं, रक्त में छोड़े जाने के बाद ये लक्ष्य अंगों तक पहुंचते हैं जहां उनकी कार्यकी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्लियर। अब छोटी छोटी बातें देखना, ये अपोषक तत्व होते हैं। कैसे होते हैं, अपोषक तत्व, यानी किसी भी प्रकार का इनमें क्या नहीं होता, न्यूट्रिशन नहीं होता। ये तो केवल लक्ष्य अंगों तक पहुंचकर इनकी कार्यकी को प्रभावित करते हैं, केवल प्रेरित करते हैं, न कि ये खुद कोई रोल निभाते हैं। ये कोई भी केमिकल इक्वेशन में कोई भी कार्य नहीं करते, कोई भी जो रिएक्शन होती है उसमें किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करते, ये केवल प्रेरक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, प्रेरक का काम करते हैं। और जब इनका कार्य कंप्लीट हो जाता है, ये अपना पूरा कार्य निष्पादित कर देते हैं, उसके बाद या तो शरीर से क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये अल्पकालिक होते हैं। कैसे होते हैं, अल्पकालिक। तो मैंने डेफिनेशन बता दिया आप लोगों को, डेफिनेशन को समझ लेना इन्हीं पॉइंटों के आधार पर। मैंने पूरा का पूरा डिटेल में लिखकर सोर्स में बताया है कि रासायनिक पदार्थ जो संदेश वाहक का कार्य करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा रिलीज होकर लक्ष्य अंगों तक पहुंचकर उनकी कार्यकी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब बात आती है कि ये जो हार्मोन है, ये शब्द दिया किसने, कौन सा शब्द, हार्मोन शब्द किसने दिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और पूछ भी सकते हैं कि हार्मोन शब्द किसने दिया है। तो हम कहेंगे स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने। किसने, स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने कौन सा शब्द दिया था, हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्लियर। कौन सा वैज्ञानिक था, स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक था। साथ में अब दूसरी बात सुन लेना कि एक वैज्ञानिक और था इनके साथ, कौन सा, बेलिस। कौन सा था, बेलिस है, बेलिस। और दूसरा कौन से, स्टार्लिंग। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहली बार एक हार्मोन की खोज की और उसका नाम रखा था उन्होंने सिक्रेटिन। क्या नाम रखा था, सिक्रेटिन। तो दुनिया में खोजा गया पहला हार्मोन कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्रेटिन कहां से खोजा, जो इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी ग्रहणी होती है, आंत जो होती है, उसके अंदर एक कला पाई जाती है, श्लेष्मीय उपकला। कौन सी उपकला, श्लेष्मीय उपकला। और श्लेष्मीय उपकला की कौन सी कोशिका के द्वारा, श्रावी कोशिका के द्वारा। देखो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे और ग्रहणी की जो हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग, इंटेस्टाइन की, आंत की जो ओती की पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि इंटेस्टाइन में कितनी लेयर पाई जाती है, चार लेयर पाई जाती है। जो सबसे इनर लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं म्यूकोसा एपिथेलियम या श्लेष्मीय उपकला। इस श्लेष्मीय उपकला में कोशिका पाई जाती है जिन्हें स्रावी कोशिका कहते हैं। अब नाम से क्या पता चल रहा है, स्रावी, सिक्रेशन करने वाली। और इससे जो केमिकल मुक्त हुआ, जो रसायन मुक्त हुआ, उसको नाम क्या दे दिया गया था, सिक्रेटीन नाम दे दिया गया था। सिक्रेट का मतलब क्या होता है, स्रावित होना, और उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया था क्या, सिक्रेटीन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि पहला हार्मोन कौन सा था जिसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन से थे। हुआ क्लियर यहां तक, चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, हार्मोन के जो गुण है उनकी बात करते हैं कि हार्मोन के क्या विशिष्ट गुण है। तो मैं आप लोगों को मेन मेन गुण बता देता हूं। नंबर एक, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा छोड़े जाते हैं। कौन सी ग्लैंड के द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। ये चीज पहले ही क्लियर हो गई होगी आप लोगों के, क्योंकि एक्सोक्राइन के द्वारा तो छोड़े नहीं जा सकते, बहिश्रावी के द्वारा तो केवल एंजाइम छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं, एंजाइम छोड़े जाते हैं। दूसरा, सीधे रक्त में छोड़े जाते हैं। किसमें छोड़े जाते हैं, सीधे रक्त में छोड़े जाते हैं, और कहीं नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऑर्गन में पहुंच जाए, ऑर्गन में बाद में जाएंगे, पहले ये रक्त में जाएंगे। तीसरा, अल्पकालिक होते हैं। अल्पकालिक का मतलब इनकी समयावधि जो होती है वो बड़ी कम होती है। नंबर चार, कम अणुभार वाले होते हैं। कम अणुभार वाले होते हैं। अब कम अणुभार वाले हैं इसलिए आसानी से कोशिका में विस्तृत हो जाते हैं, आसानी से एक स्थान पर कहां चले जाते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, क्योंकि इनका मोलिकुलर वेट जो होता है वो कम होते हैं। कुछ हार्मोन जो है वो अपरिपक्व अवस्था में रिलीज होते हैं। कौन सी अवस्था में, अपरिपक्व अवस्था में, अपरिपक्व अवस्था में रिलीज होते हैं। इसका मैं एग्जांपल बता देता हूं आप लोगों को, प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन,
इंसुलिन हार्मोन का जैसे ही नाम आता है तो दिमाग में एक बात आ जाती है कि इसकी अधिकता या कमी से एक डिजीज होती है जिसको आम भाषा में हम सुगर बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं या डायबिटीज बोलते हैं। और उस डायबिटीज के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। और जब इंसुलिन अपरिपक्व है, अभी मैच्योर नहीं हुआ, तो उसके पहले हम लगा देते हैं प्रो, और हिंदी में बोलते हैं इसको प्राक इंसुलिन। क्या बोलते हैं? प्राक इंसुलिन। ये जो इंसुलिन है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। इसके अंदर तीन बैंड होते हैं, फर्स्ट, फिर ये सेकंड, और ये एक्स्ट्रा होता है जिसे सी पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में डिस्क्राइब से बताऊंगा। तो ये वाला जो हार्मोन है ये प्रो इंसुलिन है, और जिसमें से जब इसमें से ये अतिरिक्त श्रृंखला अलग हो जाएगी और स्ट्रैंड फर्स्ट और स्ट्रैंड सेकंड जब डाइसल्फाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाएंगे तब ये कहलाएगा इंसुलिन, परिपक्व इंसुलिन। तो हम कहते हैं कि कुछ हार्मोन अपरिपक्व अवस्था में रिलीज होते हैं। एग्जाम्पल बता दिया कौन सा? प्राक इंसुलिन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, ये अपने लक्ष्य अंगों तक पहुंचते हैं। कौन से अंगों तक पहुंचते हैं? लक्ष्य अंगों तक पहुंचते हैं। और फिर उसके बाद में अपने कौन से अंगों तक जाते हैं? लक्ष्य अंगों तक जाते हैं। और उसके बाद में अपने किसको संपादित करते हैं? कार्य को संपादित करते हैं। किसको संपादित करते हैं? कार्य को संपादित करते हैं। विशिष्ट होते हैं। कैसे होते हैं? विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट का मतलब यह है कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो अपना ही कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि वो थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य कर दे। अर्थात प्रत्येक जो हार्मोन है वो कैसे होते हैं? विशिष्ट होते हैं। और लास्ट के अंदर अपन बोलेंगे कि जब ये अपना कार्य कर लेते हैं, जब ये अपना कार्य क्या कर लेते हैं? संपादित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? संपादित कर लेते हैं। उसके बाद में या तो ये किडनी में जाकर या फिर ये किस में जाकर? लीवर में जाकर नष्ट हो जाते हैं। याद रखना, मैंने पहले भी बताया था कि ये अल्पकालिक होते हैं। अपना कार्य संपादित करने के बाद में ये कहां जाते हैं? वृक्क में जाते हैं और लीवर में जाकर क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद शरीर के द्वारा इनको उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने आज पढ़ा टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी के बाद में हम लोगों ने बात की कि हार्मोन शब्द किसने दिया, हार्मोन की प्रॉपर्टीज क्या है, और अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र क्या है? तो ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड और कुछ विशिष्ट ऑर्गन से मिलकर बना होता है, और उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। लगभग 9 प्रकार की ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। अंतःस्रावी की ही बात कर रहे हैं, बहिःस्रावी की बात नहीं कर रहे। अंतःस्रावी ग्रंथियां लगभग कितने प्रकार की पाई जाती है? 9 प्रकार की पाई जाती है। वो बता देता हूं मैं आप लोगों को कौन कौन सी है। यहां देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन ब्रेन के पास में। तो यहां पाई जाती है हाइपोथैलेमस। कौन सी पाई जाती है? हाइपोथैलेमस, जिसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस के पास में यहीं पर पीनियल बॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पीनियल बॉडी। और यहीं पर पिट्यूटरी ग्लैंड भी पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड कितनी ग्लैंड हो गई? 3 ग्लैंड हो गई। फिर उसके बाद में आ जाओ अपने थ्रोट वाले पार्ट में, यहां पर, यहां पाई जाती है थायरॉइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थायरॉइड ग्लैंड। और जो थायरॉइड ग्लैंड है वहीं पर पाई जाती है पेरा थायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5 5 ग्लैंड होगी। फिर उसके बाद में यहां बात करते हैं थाइमस की। किसकी बारे में बात करेंगे? थाइमस ग्लैंड के बारे में। नाम सुना होगा, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने बात की थी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स का जो परिपक्वन होता है वो कौन से ग्लैंड में होता है? थाइमस ग्लैंड में। फिर देखिए यहाँ ये जो रेड वाला बना रखा है स्टमक, जो आमाशय यहाँ होता है उसके जस्ट पीछे की साइड में ये जो ग्लैंड है उसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलेंगे? अग्नाशय। अग्नाशय के बाद में ये 2 बनाई है मैंने किडनी। क्या बनाई है? किडनी। और किडनी के ऊपर ये कैप जैसी संरचना है, इनको अपन बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि। और ये 2 आ जाती है गोनेड ग्लैंड, जलद ग्रंथि। महिलाओं में तो ओवरी बोलते हैं इनको,
और पुरुषों में होते हैं ये टेस्टिस। क्या होते हैं? टेस्टिस। एक बार वापिस से देख लेना। नंबर एक, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, कौन सी ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस। फिर उसके बाद में ये आती है पीनियल काय। कौन सी काय है? पीनियल काय। इसको हम लोग सेक्सुअल क्लॉक भी बोलते हैं, लैंगिक घड़ी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे अंधे जो बच्चे होते हैं उनमें लैंगिक परिपक्वता समय से पहले आ जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए जिम्मेदार है कौन सी? पीनियल। फिर ये आती है मास्टर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है ये? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद में आती है हमारे गले में कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। यही पाई जाती है। थायराइड के अंदर पाया जाता है पैरा थायराइड। क्या बोलते हैं इसको? पैरा थायराइड। क्लियर। फिर उसके बाद में ये आती है, यहाँ नीचे की साइड में देखो अपन लिखा है एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल। अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि। डर के समय 3F या 4S हार्मोन इसी के द्वारा रिलीज होते हैं। डीपली अपन जब बात करेंगे एक-एक ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे तब। तो ये ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि है। फिर उसके बाद में इस साइड में आ जाओ, यहाँ ये है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। इसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। थोड़ी देर पहले ये कहा था कि ये मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल है, क्योंकि मिश्रित ग्रंथि में एक्सो और एंडो दोनों आती है। इसके द्वारा एंजाइम भी सिक्रेट होते हैं, इसी के द्वारा हार्मोन भी सिक्रेट होते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर आता है ये अंडाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अंडाशय। अंडाशय नाम आते ही दिमाग में दो हार्मोन आ जाते हैं बड़ी जल्दी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। और तीसरा हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा था पार्टुरेशन के समय, प्रसव के समय, रिलैक्सिंग हार्मोन। और उसके बाद में आता है टेस्टिस, या हम लोग इसको बोलते हैं कौन सी ग्रंथि? वृषण ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? वृषण ग्रंथि। आप लोगों के सामने ये लगभग 9 प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है जिनके द्वारा हार्मोन का सिक्रेशन होता है। वो हार्मोन हमारे रक्त में छोड़े जाते हैं और रक्त के द्वारा वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं, लक्षण को तक पहुंचते हैं, और फिर शरीर में कार्यकी को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। हमारा शरीर जो भी काम करता है उस कार्य करने के पीछे कौन जिम्मेदार है? हार्मोन जिम्मेदार है। यदि हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाए या हार्मोन की मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं अब हार्मोनल डिजीज, या हार्मोनल डिजीज भी बोल सकते हैं कि हार्मोन की कमी या अधिकता से होने वाले रोग, जिनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को इनका इंट्रोडक्शन बताया कि कहां कहां प्रेजेंट होती है। 1, 2, 3 ये तीनों जो है ये ब्रेन के पास या ब्रेन के अंदर रहती है। थायराइड और पैराथायराइड है वो हमारे थ्रोट वाले पार्ट में रहती है। थाइमस जो ग्लैंड है वो हमारे चेस्ट वाले पार्ट में रहती है। पैनक्रियाज जो ग्लैंड है वो हमारे एब्डोमन वाले पार्ट में होती है, उदर वाले पार्ट में होती है। अग्नाशय के बाद में जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड भी कहाँ होती है? हमारे पेट वाले पार्ट में या उदर वाले पार्ट में होती है। और ये जो गोनेट ग्लैंड है ये हमारे प्यूबिक सिंफाइसिस वाले पार्ट में होती है। कौन से वाले पार्ट में? प्यूबिक सिंफाइसिस वाले पार्ट में होती है। इन 9 ग्लैंड्स के बारे में हम एक एक ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इसे वॉच करें। यदि कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, या पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आप लोगों को जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।